गुड मॉर्निंग गाइज, माई सेल्फ डॉक्टर अमित। गाइज, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेनिस्कस। मेनिस्कस क्या होता है, मेनिस्कल टीयर्स क्या होते हैं। मेनिस्कस होता है घुटने की गद्दी, उसको हम बोलते हैं मेनिस्कस। जैसे कि इस मॉडल के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये घुटने का मॉडल है, ये अपनी थाई बोन है, फीमर बोलते हैं इसको, ये टीबिया है। तो इसके अंदर ये जो होती है ना, ये गद्दी होती है, ये सी के आकार की होती है। दो गद्दियाँ होती है, एक बाहर की तरफ होती है और एक अंदर की तरफ होती है, ठीक है। तो ये जो गद्दी होती है ना, इसको मेनिस्कस बोलते हैं। दिस इज मेड ऑफ कोलेजन टाइप 1। तो क्या होता है, इसका काम क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है ये। जैसे हमारी गाड़ी के अंदर शॉकर लगे रहते हैं या फिर हमारी बाइक के अंदर शॉकर लगे रहते हैं, उनका काम क्या होता है कि जब भी हम ब्रेक मारते हैं या जब भी लोड आता है तो वो हमारी बैक इंजरी होने से बचाता है, हमें हमारी मसल्स बैक मसल्स में स्प्रेन होने से बचाता है, जो गाड़ी के अंदर शॉकर लगे होते हैं, या कोई हमारी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने से बचाता है हमें। तो ऐसे ही क्या होता है, ये भी शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है कि जैसे ही कोई लैंडिंग मूवमेंट होता है, कोई जंपिंग मूवमेंट होता है या नी के ऊपर स्ट्रेस आता है, तो उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है मेनिस्कस। तो इस मेनिस्कस के अंदर क्या होता है, टीयर हो जाते हैं, ये फट जाती है कई बार। तो मेनिस्कस फटती है, किन लोगों में फटती है, ये मेनली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो करते हैं ना, उन लोगों के अंदर मेनिस्कल टीयर्स होते हैं। जैसे कि जो फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, इवन नॉन स्पोर्ट्स वाले भी, जो बंदे नॉर्मल रूटीन लाइफ जीते हैं, अगर उनको गलती से कोई एक्टिविटी उनसे ऐसी हो जाए, जंपिंग वगैरह हो गई या ऐसे वो भाग लिए दौड़ लिए, तो उनमें भी कई बार टीयर्स हो जाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एंड दे आर द ट्रॉमेटिक टीयर्स, उनको ट्रॉमेटिक टीयर्स बोलते हैं। एक होते हैं डीजनरेटिव टीयर्स, वो होते हैं ओल्ड एज में, जैसे उम्र की वजह से ये मेनिस्कस धीरे धीरे पतली हो जाती है, धीरे धीरे इसके अंदर डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वो अलग टीयर्स होते हैं, वो 50-60 साल वाले उम्र वाले लोगों में होते हैं। तो उनका इतना ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी घुटने के अंदर अर्थराइटिस चेंजेस स्टार्ट हो रखे होते हैं। तो वी वेट फॉर द यू नो डीजनरेशन टू गो ऑन एंड देन फिर फाइनली कि उसका नी रिप्लेस करेंगे, उसकी बात होती है। लेकिन जो यंगर एज ग्रुप है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता है, उनके अंदर जब मेनिस्कस टीयर हो जाता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, कि हमें कंजर्वेटिवली ट्रीट करना चाहिए या फिर उसके अंदर हमें सर्जरी करवानी चाहिए। तो ये सब बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, मेनिस्कस टीयर जब होता है तो घुटने के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, घुटने में दर्द रहने लग जाता है, सूजन आ जाती है घुटने के अंदर, यहाँ पे दर्द रहने लग जाता है। अगर इधर टीयर होगा तो बाहर की तरफ दर्द रहने लग जाता है। फिर क्या होता है, एक स्पेशल चीज़ और क्या होती है, इसके अंदर लॉक हो जाता है घुटना लॉक होना स्टार्ट हो जाता है। उसका क्या मतलब है, घुटना मुड़ तो जाएगा लेकिन सीधा नहीं होगा, बैंड तो हो जाएगा लेकिन उसको आप वापस उस सीधा करने जाओगे सीधा नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, मेनिस्कस है ना, फट के अंदर चला जाता है, तो वो स्मूथनेस नहीं रह पाती है, वो उसको जगह नहीं मिल पाती है घुटने को सीधा होने के लिए। तो कई लोग ये कंप्लेंट लेके आते हैं कि हमें ये घुटना सीधा नहीं हो पाता, मुड़ तो जाता है लेकिन सीधा नहीं हो पाता, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ मेनिस्कल टीयर, एंड ये मेनिस्कस आपका अंदर फंस गया है, ठीक है। अब इसके ट्रीटमेंट की बातें करते हैं। अगर मान लो, अब कई बार पेशेंट आता है हमारे पास, पूछता है कि सर क्या मेरा बिना ऑपरेशन के मेरा इलाज नहीं हो सकता क्या। देखिए, कुछ केसेस के अंदर बिना ऑपरेशन के भी मेनिस्कल हील हो जाता है। जैसे कि कुछ केसेस के अंदर, जैसे अगर सपोज करो मेनिस्कस के अंदर आउटर 1/3 जो पार्ट है, अगर उसके अंदर टीयर है, तो उसके अंदर चांसेस अच्छे खासे होते हैं कि बिना ऑपरेशन के हीलिंग हो जाए। कारण, क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है आउटर 1/3 की। जो बाहर का जो 1/3 पार्ट होता है, जैसे कि इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, अब सपोज करो इसको 3 हिस्सों में बांट लो, तो ये जो बाहर का 1/3 पार्ट है, ठीक है, बाहर का 1/3 पार्ट में अगर टीयर हो गया तो उसमें हीलिंग होने के चांसेस हैं। अंदर वाले पार्ट में जितना आप अंदर जाओगे उतना ही उसकी ब्लड सप्लाई कम रहती है, उसकी हीलिंग होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो हमारा जवाब ये रहता है कि देखो, हमारे कोशिश तो ये रहती है कि मेनिस्कस को जितना बचाया जा सके उतना हमें बचाना चाहिए। कारण कि ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, अगर ये नहीं होगा तो इसका कार्टिलेज, इस बोन के कार्टिलेज डायरेक्ट टच में आएगा, डायरेक्ट इसके साथ वो फ्रिक्शन करेगा या हेड एंड कोलिजन होगा इन दोनों का आपस में, तो ये कार्टिलेज खराब होगा। ये कार्टिलेज खराब होगा तो ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो घसारा होता है, जो घुटने खराब होने की जो प्रक्रिया है वो फास्ट हो जाती है। तो वो एक रीज़न रहता है कि हमें इस गद्दी को सेव करना है किसी न किसी तरीके से। कई बार क्या होता है कि अच्छा, पेशेंट पूछता है सर मैं चल सकता हूँ कि नहीं। बिल्कुल चल सकते हो, जब तक आपका घुटना लॉक नहीं हो रहा, तब तक, जब तक लॉक नहीं हो रहा तब तक आप चल सकते हो। जब ये मेनिस्कस अंदर चला जाएगा तो आपका घुटना लॉक हो जाएगा, आपका घुटना मुड़ तो जाएगा, आपका घुटना सीधा नहीं हो सकता, तो आप वैसे ही नहीं चल सकते। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब शुरू में पेशेंट का डिसाइड करने में टाइम लगा देता है कि भाई अभी करना है ऑपरेशन नहीं करना है, तो तब तक क्या करना चाहिए,
आइस एप्लीकेशन करनी चाहिए, इसके ऊपर बर्फ़ लगानी चाहिए, दिन में 3 बार 15-15 मिनट बस बर्फ़ का सेक करना चाहिए, इसके ऊपर ब्रेस पहन लेना चाहिए, नी ब्रेस आता है जो घुटने पर पहनने का आता है वो ब्रेस पहन लेना चाहिए, वॉकिंग मिनिमम वॉकिंग करनी चाहिए आपको, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वॉक कर सकते हो आप। फिर उसके बाद में आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये क्वाड्रिसेप्स मसल है इसकी स्ट्रेंथनिंग, ऐसे ही लेटरल मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग। देखो ये मसल्स अगर स्ट्रांग होंगे तो नी के ऊपर लोड कम आएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं मेनिस्कल टियर में। फिर उसके बाद में क्या होता है कि आजकल सारे ऑपरेशन जो होते हैं ना वो दूरबीन से होते हैं, जैसे कि ये इधर दूरबीन से हम ऑपरेशन करते हैं सारे, कि या तो आप अगर कोई कॉम्प्लेक्स टियर है तो उसको तो मैंने रिपेयर कर नहीं सकते, उस कॉम्प्लेक्स टियर में तो उसको मेनिस्कस को निकाल देते हैं, और अगर कोई नॉर्मल टियर है, हॉरिजॉन्टल टियर है, रेडियल टियर है, रॉकेट हैंडल है, तो उसके अंदर मेनिस्कस रिपेयर कर देते हैं, उसके अंदर रिपेयर किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये तो इस टाइप का है, जैसे ये टियर है, एक फोटो मेनिस्कल टियर का मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये हॉरिजॉन्टल टियर है, ठीक है, तो इसको अर्थरोस्कोपिकली दूरबीन से हम जाके और इसके अंदर टाके ले लेते हैं, इसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब कितना टाइम लगता है मेनिस्कस अगर किसी का फट गया है, कितना टाइम लगता है उसको ठीक होने में, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो जनरली ऑपरेशन के बाद तो 4 to 6 weeks जनरली लगते हैं, 4 to 6 weeks तक आप थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज रहती हैं, आपको फिजियोथेरेपी वगैरह करनी पड़ती है, पूरी रिकवरी होते होते 3 महीने लग जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ज़्यादातर केसेस में कोशिश ये की जाती है कि मेनिस्कस को बचाया जाए, मेनिसेक्टोमी ना की जाए, यानी कि मेनिस्कस को बाहर ना निकाला जाए, बस वही केसेस होते हैं जिनके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स टीयर होते हैं, बहुत अलग तरीके से फटी हुई है मेनिस्कस के, किसी भी एंगल से उसको रिपेयर ही नहीं किया जा सकता हो, तो फिर हम उसको निकाल देते हैं, अदरवाइज़ कोशिश यही रहती है कि उसको अंदर सील के और रिपेयर करके उसको वहीं पर रखा जाए, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रही है, अगर वो हमने निकाल दी तो फिर ये डायरेक्ट बोन से टकराव खाएगी और घुटने को ज़्यादा नुकसान होगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मेनिस्कस, मेनिस्कल टीयर्स। तो एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक अवर वीडियो इफ़ यू एंजॉयड दिस लेक्चर, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल ऑल्सो, थैंक यू सो मच।